पहले तो हमारे सारे दर्शकों को प्रणाम। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और आजकल की जो फिल्म्स बन रही हैं, खास करके इन फिल्मों में लड़कियों को वो जगह मिल रही है, उनके वर्क को दिखाया जा रहा है और उनकी एक्ट को दिखाया जा रहा है। सो मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ और बहुत मज़ा भी आ रहा है। मेरे फ्रेंड हैं और मैंने जब अपना करियर स्टार्ट किया था, तब आई गेस मेरी दूसरी तीसरी फिल्म मैंने इनके साथ की थी जब मैं नई नई आई थी। तो मेरे दोस्त थे, पुराने दोस्त भी, और हमने हमेशा साथ में वर्क किया और इस बार भी करने जा रहे हैं। सो वेरी एक्साइटेड। आपने? भैया, आप बताएं कि इस फिल्म को लेके कितने ज्यादा खुश हैं और आखिर यहाँ कैसे आपका जुड़ाव हो गया, क्योंकि जो पिछली फिल्में हैं माही हैं, रन हैं, हर जगह आप रन कर रहे हैं। देखिए, मैं हमेशा से अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करना हर एक्टर का सपना होता है, और मेरे फेवरेट डायरेक्टर में से मंजुल सर हैं, और उनके साथ काफ़ी दिनों से मैं काम करना चाह रहा था और संजोग नहीं बन पा रहा था। तो सबसे पहले तो मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मंजुल सर के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, इनके जॉनर में जाने का, क्योंकि अभी तक मैंने जो भी फिल्में की हैं, तोड़फोड़ किया है, एक्शन किया है, और मुझे लगता है किसी भी एक्टर के लिए एक्शन करना आसान होता है। मैंने भी किया है, तो एक्शन करना आसान होता है और इस जॉनर की फिल्में करना मुश्किल होता है। मेरे लिए एक चुनौती है, मेरे लिए एक सरप्राइज है। सब्जेक्ट सुनाया मंजुल सर ने तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, और मुझे लगा कि नहीं, इस फिल्म को करना चाहिए, और मुझे निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि मुझे एक अलग पहचान मिलेगी इस फिल्म से। सब्जेक्ट की बात हो रही, कहानी भले ही नहीं बताएं, लेकिन एकाक लाइन अगर जिसे हेडलाइन कहते हैं, क्या कहानी होनी चाहिए? सर्विस वाली बहुरिया का मीनिंग क्या निकलता है और इसकी क्या आवश्यकता है इस समय भोजपुरी इंडस्ट्री में? नहीं, भोजपुरी इंडस्ट्री में मत कहिए इसकी क्या आवश्यकता है। सीधी सी भाषा में अगर मैं बोलूँ तो ये सिनेमा नारी सशक्तिकरण को एक तरीके से सपोर्ट करती है, और आप जैसे आप भोजपुरी सिनेमा कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ देश के लिए, समाज के लिए नारी का सशक्त होना बहुत ज़रूरी है। और अभी आपने देखा होगा कि हमारा देश बदल भी रहा है। अभी UPSC का रिजल्ट आया था, टॉप 4 में चारों की चारों लड़कियां थीं, और ये बहुत अच्छा बदलाव है। और सिनेमा के माध्यम से, क्योंकि मुझे लगता है कि सिनेमा जो भाषा बोलती है ना, वो लोगों के दिल तक बड़ी आसानी से पहुंचती है। अगर हम किसी को मोटिवेट करें, किसी को समझाएं, तो शायद हम समझा नहीं पाते हैं जो सिनेमा समझा लेती है। तो सिनेमा के माध्यम से हम लोग नारी के बारे में कि समाज में जो सम्मान होना चाहिए, जो उनका एम्पावरमेंट होना चाहिए, जो पावर मिलना चाहिए, उसके लिए ये सिनेमा बोलेगी और मज़ा आएगा सबको। और सर्विस वाली बहुरिया, जैसे कि बहुत ही प्यारा टाइटल भी है, और आजकल हर घर में देखा जाता है कि वुमेन सर्विस करती है, जॉब करती है। सो उनके ऊपर कितनी जिम्मेदारियां होती है और वो क्या क्या उस जो जॉब करती है उससे वो कितनों का उनके ऊपर लाइबिलिटी होती है। सो वो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और बस मंजुल सर ने बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट हमें अप्रोच की और हम लोग ने एक्सेप्ट करी है, और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको बहुत अच्छे से एक्ट करें और दर्शकों के दिलों में हम लोग बस सके उस चीज़ के साथ, और सबको पता चले कि वुमेन कितनी मेहनत करती है और कितने लोगों के लिए वो हमेशा खुशियाँ लाती है। इवन घर भी संभालना है, वर्क भी करना है, जॉब भी देखना है, हर चीज़ देखना, कितना मैनेज करती है वुमेन एक, तो उसके ऊपर है। सो सबको अच्छा लगेगा। और हमारे जो राइटर है अरविंद तिवारी जी, जिन्होंने बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है, और बस खुश हूँ कि इस स्क्रिप्ट पे मुझे मौका मिला करने का। सो यस, वेरी एक्साइटेड। पोस्टर में हम देख पा रहे हैं, एक तरफ आप फाइल लेकर खड़ी हैं, लग रहा है कि आप पढ़ लिख करके काम पर जा रही हैं, और आनंद भाई को देखकर लग रहा है वो कि यस, लाइन वो मार भी रहे प्रोफेशनल ही हैं, कमासुत पति हैं। बीच में कार खड़ी है, लग्जरी है, तो ये आपने खरीदी होती है या फिर आपसे ली गई है? नहीं, इसको वो मूवी वो देखेंगे तो अब पता मूवी चलेगा देखने के बाद पता कौन चलेगा, खरीदा और है चलिए, ये सवाल मैं प्राइज मंजुल है। सर से जरूर पूछूंगा। हाँ, आप दोनों की दूसरी फिल्म है, से पहले रन? नहीं, तीसरी तीसरी नहीं, ये तीसरी चौथी चौथी फिल्म है, चौथी चौथी फिल्म है। यस। चौथी, तो थोड़ा सा बताएं 4 फिल्मों के नाम, उसके बाद में फिर आगे। एक तो सबसे बड़ा मुजरिम था, हाँ, पहली फिल्म सेकंड हीरोगिरी, फिर हीरो या हम गिरी लोगों एंड ने, थर्ड रन।
ये चौथी है, माही ये भी करने वाली थी लेकिन हमारा झगड़ा हो गया। चौथी। झगड़ा बहुत होता है हम लोगों का, लेकिन हम वो लोग प्यार बहुत वाला फाइट झगड़ा है। करते और एक जैसा नहीं होता है कि बचपन के दोस्त जो होते हैं, तो हमारी जब सिनेमा में स्टार्ट हो रही थी वो मेरा बचपन था, और ना समझते हम लोग क्या होता है प्रोफेशन, और इनकी भी दो दूसरी तीसरी फिल्म थी, तो काफ़ी लड़ाई होती थी, उसको बैलेंस मम्मी करती थी, फिर समझाती थी, और वो लड़ाई आज तक जारी है और प्यार भी जारी चलती है। रहती है। तो लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा काजल जी के बारे में, कि सेट पर जब हम पहली फिल्म कर रहे थे तो उस समय ये स्टार नहीं थी, तो हम ऐसे बोला करते थे कि जो मेहनत आप कर रही हो उसमें स्टारडम आपको ज़रूर मिलेगा इस इंडस्ट्री में। तो स्टारडम मिलने के बाद मैंने सेकंड मूवी की हीरोगिरी, उससे भी बड़ी स्टार बन गई, तो मैंने किया रण। लेकिन सेट पर रहने का टाइमिंग, सेट पर डेडिकेशन, काम करने का, नहीं तो बहुत ही इरिटेट होता है स्टार के साथ काम करना। नहीं मैं मैं आज आगे तक स्टार नहीं बन पाया हूँ, मेरे कंधे पर 3 स्टार हैं, तो वो लेकिन सबसे लेकिन क्या है, नहीं लेकिन क्या है कि बड़ा स्टार वो स्टारडम जो आदमी एक दूसरे के ऊपर थोपता है ना, वो बहुत इरिटेट करता है साथ में काम करने वालों के लिए। वो तो रियल स्टार काजल, है। काजल में ये मैंने देखा, ये नहीं मेरे साथ ही, छोटे से छोटा कलाकार जिसने काम किया फिल्म के सेट पर, उसके साथ इनका कोऑपरेशन जो रहता है, टाइमिंग, इनके लिए कभी मुझे इंतज़ार नहीं करना पड़ा। मैं ज़रूर थोड़ा लेट कभी हो गया, लेकिन विथ मेकअप, तो इनका ये डेडिकेशन ही है कि इनको इस ऊंचाई पर लेकर आया है। बड़ी खुशी मिलती है एक बचपन के दोस्त के साथ काम करना और उसको स्टार बनते देखना, और जोड़ी भी पसंद करते हैं लोग हम लोगों की। महिला प्रधान फिल्म दिख रही है, जैसा कि कुछ देर पहले आपने बताया सर्विस वाली बहू रिया, आपने अब तक एक्शंस किए हैं, अब अचानक से एक फैमिली ड्रामा होने वाला है मंजुल ठाकुर जी के निर्देशन में, कहानी भी बड़ी शानदार है, तो आपको इसमें दिक्कत आने वाली है या फिर एक नया एक्सपीरियंस? दिक्कत तो नहीं आएगी, मुझे लगता है कि एक्टर के लिए दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन हाँ मेरे लिए चुनौती है, क्योंकि मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बोला था कि एक्शन करना बहुत आसान है, क्या है ना कि अभी आपको कहा जाए कि इनको गाली दे दीजिए, तो आप तुरंत, और आपकी जो मुद्रा है, भाव भंगिमा है, तुरंत उसी एक्शन में आ जाएंगे, और कहा जाए कि जरा प्यार से प्रपोज कर दीजिए, 10 बार ही टेक लेंगे। क्या है कि रोमांस करना, सरल बनना, जीवन में सरल बनना बहुत मुश्किल है, तो ये सरल हमको बनना पड़ेगा, और मंजुल मेरे लिए सर, चुनौती है, लेकिन मंजुल सर पर मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि हम डायरेक्टर के एक्टर हैं और वो किसी भी एक्टर को निचोड़ लेते हैं। मुझे भी उम्मीद है कि मैं अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने जा रहा हूँ। काजल जी, सर्विस वाली बहू, आपने लाइफ में बहुत सारी फिल्में करी हैं, ओरिजिनल में भी ऐसी बहुत सारी महिलाओं को देखा होगा, आपके लिए कौन है वो महिला जिसे आप उस रूप में देखती हैं, बड़ी इज्जत करती हैं? मैं खुद हूँ। बस बहू नहीं बनी अभी तक, बट मैं वर्क कर रही हूँ, और अगर शादी करती हूँ मैं तो शादी के बाद में मैं वर्क करूँगी, तो मैं भी सर्विस वाली बहू रिया कहीं जाऊँगी, ऑब्वियसली बात, मतलब यही बात होती है। और जिम्मेदारियाँ आज इतनी है, मैं अपनी फैमिली को, हम लोग अपनी फैमिली को चला रहे हैं, और उनकी हर एक चीज़ों का हम लोग, खुशियों का हम लोग ख्याल रखते हैं। तो आफ्टर मैरिज मुझे ससुराल का भी खुशियों का ख्याल रखना है, इवन मैं अपने मायके का भी ख्याल रखूंगी। सो ये चीज़ें होती है, बस यहाँ पे हमारी सर्विस वाली बहुरिया फंसने वाली है और फंसेगी। सो वो क्या करती है, वो आपको मूवी जब हम बनेंगी और उसके बाद हम आप सबको पता चलेगा और बताएंगे। इस फिल्म से अलग सवाल है, लेकिन चूंकि अब टाइमिंग एकदम बहुत परफेक्ट चल रही है, कैसा पति आपको चाहिए होगा, क्योंकि माफ करना वापस से हम आ जाएंगे फिल्म पे, कैसा मुझे पति? पीटो सब लगे, पति के बारे में मत पूछो। मुझे नहीं पता। अच्छा ठीक है, थोड़ा सवाल घुमा देता हूँ मैं। हाँ घुमा दो। इंडस्ट्री में आपने इतने सारे हीरो के साथ काम करा है, हाँ इंक्लूडेड आनंद जी जी भी, जी, एक किसी हीरो का ऐसा नाम बता सकती हैं जो परफेक्ट पैकेज है पति बनाने के लिए? मुझे नहीं दिखता कोई भी। कोई ऐसा डायरेक्टर है आपके नजर में जो परफेक्ट पैकेज है शादी के लिए? कौन? कोई एक ऐसा डायरेक्टर भोजपुरी का? सारे डायरेक्टर्स मैरिड है। अगर अच्छा नहीं, अभी बहुत सारे कोई हैं जो यंग कुवारा है। प्रोड्यूसर डायरेक्टर नहीं है ना? नहीं कौन? अभी आ गया ना वो अनुराग भी आया ना एक शादी में। हाँ हाँ सारे डायरेक्टर मैरिड है, तो मुझे ना कोई हीरो लगते हैं कि परफेक्ट पति पैकेज वाले, या ना कोई डायरेक्टर पति पैकेज वाले लगते हैं, और मेरे लिए मम्मी ढूंढेगी, बेस्ट ढूंढेंगे। आनंद कई सर बार ऐसा भी होता है कि एक्ट्रेस जो है आफ्टर मैरिज
सर्विस नहीं करती है, तो आपको फिल्म करोगे या नहीं? मेरा ये पहला यही होगा लिखा हुआ अग्रीमेंट में, मैं लिखवाऊंगी भी कि मैं वर्क करती रहूंगी, मैं मरूंगी तब तक वर्क करूंगी, मैं उसके पैसे पे नहीं जीना चाहती, मैं अपने पैरों पे जीना चाहती हूँ, अपने मेहनत पे जीना चाहती हूँ बस। और मैं अपनी फैमिली का भी ख्याल रखूंगी, ये भी मैं लिखवा के लूंगी, जो मैं इनकम जो मेरा कमाऊंगी मैं, बिल्कुल मैं इनके, क्योंकि जो मैं बिल्कुल इनके साथ कमाऊंगी उसका मेरा मेरे परिवार को जाएगा, बिकॉज उन्होंने मुझे पाल पोस के यहाँ तक बड़ा किया है, सो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनका ख्याल रखूँ, सो ये मेरा पहला होगा क्लोज में, है ना? हाँ बिल्कुल जरूरी है। बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का, बहुत बधाई फिर एक बार सर्विस वाली बहुरिया के लिए। स्टार्ट प्रोड्यूसर साहब से करते हैं, आपका चेहरा देखकर लग रहा है कि आप बहुत खुश हैं जहां आपने पैसा लगाया, ऐसी कौन सी वजह है, क्यों भाग गई आपको ये कहानी? सबसे बड़ी वजह तो हमारे डायरेक्टर साहब मंजुल जी, फिर सेकंड वजह आनंद जी, काजल जी, टीम हमारी बहुत अच्छी है। मंजुल जी के काम से मैं बहुत प्रभावित हूँ, पहले भी इनका काम देखा है, तो इधर हमने कुछ तय किया कि कुछ आजकल एक्शन का दौर है, इकोनॉमिकली लोग सोचते हैं, ये इस तरह से पारिवारिक ही कहानी आपने अरविंद भैया की कहाँ चूज करी? परिवार की कहानी अब यही चल रहा है आजकल, एक्शन वैक्शन तुम लोगों ने कर लिया पहले ही। मंजुल सर जी, आपने एक से बढ़कर एक फिल्में करी हैं, हमने देखा है, और हर ही जगह बड़ी तारीफ होती है, स्पेशली सर्विस वाली बहुरिया ही आपने क्यों इस फिल्म का चयन किया और क्या चल रहा है इस वक्त आपके दिमाग में इस फिल्म को लेकर? टाइटल से ही क्लियर है कि फिल्म में जो बहुरिया है वो सर्विस करती है, तो हमारे सब्जेक्ट में क्लियर है कि कंफर्म है कि वो सर्विस कर रही होगी बहू। ये सब्जेक्ट एक्चुअली हमेशा से ये रहा है कि एक माँ बाप का सहारा उसकी औलाद होती है, और औलाद में भी बेटा होती है, बेटा होता है, बेटी तो ससुराल चली जाती है, लेकिन उन माँ बाप का क्या जिनकी औलाद एक सहारा सिर्फ बेटी हो, एक औलाद सिर्फ बेटी हो, बेटा ना हो, तो उसी पे आधारित है हमारी ये फिल्म। अच्छा सर, आप बताएं कि ये कहानी लिखने में कितना समय लगा और कितनी मशक्कतों का सामना आपको करना पड़ा प्रोड्यूसर के सामने जाकर के ये कहानी आपकी फाइनल हुई? कहानी बनाने में कोई मशक्कत नहीं करना पड़ा, हम लोगों ने 10 मिनट में कहानी बना दिया, इसका मुद्दा खोजने में समय लगा था, और उसके बाद से सर को नरेट किया गया, फटाफट हो गया, इसमें कोई समय नहीं लगा इसमें ज़्यादा। हेलो सर, मैं फरहान टाइम्स ऑफ इंडिया से, मंजू सर मुझे आपसे जानना था कि अभी आप काफ़ी एक एक करके फिल्म OTT पे भी आ रही है, भोजपुरी फिल्म, तो सर फिल्म मेकर डायरेक्टर की काफ़ी मेहनत होती है, तो वो फिल्म को कहाँ देखना पसंद करता है, OTT पे या बड़े पर्दे पे, या उसकी क्या इच्छा होती है? हम तो हमेशा फिल्म को देखना बड़े पर्दे पे पसंद करते हैं, थिएटर में, लेकिन अभी अपनी भोजपुरी फिल्म के लिए थिएटर उतना पॉजिटिव वेव्स नहीं आ रहे हैं वहाँ से, और ना हमारे साथ प्रवीण जी बैठे हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटर हैं और बहुत बड़ी बड़ी फिल्म इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की है, थिएटर अभी भोजपुरी फिल्मों के लिए उतना अच्छा नहीं चल रहा है, तो फिलहाल हमारे लिए तो अभी सिर्फ सैटेलाइट रह गया है, आप जैसे बोल रहे हैं OTT प्लेटफॉर्म और डिजिटल यूट्यूब वगैरह, तो अभी फिलहाल हम लोग वहीं देखना पसंद कर रहे हैं। अगर आपके हाथ में जिम्मेदारी दे दिया जाए तो आप सबसे पहले भोजपुरी की ग्रोथ के लिए क्या करना पसंद करेंगे, मतलब क्या करेंगे आप सोचा होगा? जिम्मेदारी नहीं, वो ताकत दे दी जाए कि कुछ ऐसा कर दीजिए, और वो ताकत मेरे पास हो तो हम सारे मल्टीप्लेक्स में अपना सिनेमा लगाना स्टार्ट कर दें, और अगर मल्टीप्लेक्स में जिस दिन हमारा भोजपुरी सिनेमा लगेगा बिजनेस 50 करोड़ का होगा। मल्टीप्लेक्स सिनेमा तक पहुँचने के लिए वो गाँव वालों को वहाँ तक जाना होगा, वहाँ जा करके टिकट निकालनी होगी, वो पैसे कौन लाएगा? अरे क्या बात कर रहे हैं सब, अभी आप एक बात बताइए, किसके पास 1,500 रुपए नहीं है, किसके पास नहीं है? है सबके पास, सबके पास मल्टीप्लेक्स में खर्च करने के लिए नहीं, नहीं बिल्कुल है, बिल्कुल है, अभी हम लोग यहाँ पे एकदम गलत हैं सर। छत्तीसगढ़ की बात करता हूँ, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, और छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री से स्टार्ट मेरा छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री से हुआ, छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री में सर सेंटर मात्र 21-22 सेंटर थे, और जब मल्टीप्लेक्स स्टार्ट हुआ और वहाँ के सिनेमा को खासकर जैसे हमारा रीजनल है, वहाँ के मल्टीप्लेक्स वालों ने छत्तीसगढ़ी सिनेमा को इज्जत दी, हमारे मल्टीप्लेक्स वाले शायद इज्जत नहीं देते,
इसलिए हमारे मल्टीप्लेक्स में हमारी फिल्में लगती नहीं। बड़ी गिनती से कुछ बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स या कुछ ऊपरी पहुंच वाले अपने कुछ थिएटर या मल्टीप्लेक्स में लगा लेते हैं, अलग बात है। लेकिन हर सेंटर में जहां मल्टीप्लेक्स है वहां अगर हमारा सिनेमा लगना स्टार्ट हो जाए तो अपने आप ऑडियंस आएगी। प्रवीण सर, इसका अच्छा खासा एक सेकंड आगे बोलने दीजिए जी। छत्तीसगढ़ में अभी पहले बताया 22, 24 या 26 ऐसे सेंटर थे, अब मल्टीप्लेक्स की वजह से 64 सेंटर हो गए हैं और कहीं कहीं तो एक ही मल्टीप्लेक्स में दो दो स्क्रीन में सिनेमा लग रहा है। दो साल पहले एक सिनेमा छत्तीसगढ़ में रिलीज़ हुआ था और वो फिल्म का बजट 40-50 लाख रहा होगा, हमारी भोजपुरी फिल्म से भी आधा, और उस फिल्म का बिजनेस था 17 करोड़। और वो बहुत अच्छे, वो डायरेक्टर हमारी भोजपुरी में भी थे, सतीश जी मेरे गुरु हैं वो, और उन्होंने वो फिल्म बनाई थी। फिर उन्होंने अभी एक सिनेमा बनाया है छत्तीसगढ़ में, वो भी मल्टीप्लेक्स में लगा है, उसका कलेक्शन 15 करोड़ से ऊपर है मात्र 3 या 4 वीक में। तो अगर हमारा भोजपुरी सिनेमा भी मल्टीप्लेक्स में लगना स्टार्ट हो जाए तो हमारा बिजनेस 50 करोड़ से ऊपर होगा। जैसे महाराष्ट्र में कानून है कि मराठी फिल्म में मल्टीप्लेक्स लगना कंपलसरी है, जी वैसे कानून बनना चाहिए ऐसा लगता है? बिल्कुल बनना चाहिए, लेकिन उसको बनाने के लिए हमारे हमारे मनोज जी, दिनेश जी, नीरवा जी और रवि किशन जी, अगर इन लोग कुछ कर दें तो हो जाएगा। तीनों सांसद हैं, लेकिन कर दें तो। लेकिन प्रवीण भैया, आप तो जानते ही हैं, फिल्में आप हर जगह रिलीज करा रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, क्या वाकई में जो थिएटर अभी इस समय यूपी बिहार में हैं वो दर्शकों से भरे पड़े हैं? कलेक्शन अच्छा खासा हो रहा है, थोड़ा सुधार हुई है और मंजुल जी प्रयास कर रहे हैं, अगर इस तरह की पिक्चर बनने लगेगी तो बढ़िया हो जाएगा। मतलब आपका ये मानना है कि भाई मल्टीप्लेक्स तक वो फिल्में बनाने के लिए बन रही है, वो फिल्में भी बन रही हैं जो मल्टीप्लेक्स तक लगनी चाहिए? फिल्में बन रही है सर, अब एक से एक फिल्म बन रही है। सिर्फ मैं तो फिलहाल अपनी फिल्म का नाम लूंगा क्योंकि उसको जान रहा हूँ, बाकी नहीं जान रहा हूँ। लेकिन हमने फिल्म बनाई है, प्रोड्यूसर प्रवीण जी हैं, फिल्म का नाम है गोवर्धन। वो फिल्म थिएटर पे लगे, क्यों नहीं होगा कलेक्शन? क्लास सिनेमा है, बिल्कुल होगा। बहुत सारी फिल्में हैं, हस्बैंड की शादी बनाए हैं और भी बहुत सारे, बहुत संघर्ष 2 बनी है, थिएटर का सिनेमा है। तो एक से एक सिनेमा है जो बन रहे हैं भोजपुरी में, और पहले के तरीके के सिनेमा सब बदल गया, अभी तरीका बदल गया है, अब बहुत अच्छे सिनेमा बनने लगे हैं। और टेस्ट जो पहले होता था, जो सब लोगों की सोच थोड़ा अलग थी, आइटम सॉन्ग और ये, वो सब खत्म हो गए हैं, वो ट्रीटमेंट ही अलग हो गया है। अभी बहुत क्लास सिनेमा बन रहा है, लेकिन थिएटर मल्टीप्लेक्स में लगे तब की बात। साहब, इतनी महत्वपूर्ण बात हो रही है, आप इससे जुड़ा कुछ कहना चाहते हैं? क्योंकि आप लिखते हैं तो बहुत ज़्यादा दबाव और प्रेशर आप पर भी होता होगा कि भाई ऐसा लिखो कि मल्टीप्लेक्स में लगे फिल्म। नहीं नहीं, मल्टीप्लेक्स में लगाने के लिए लिखने से कुछ नहीं है, फिल्में तो सब अच्छी बन रही है। लोगों की मनस्थिति सही होनी चाहिए, लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, हमारे राजनेता लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, तब होगा ना। हमारे लिखने से केवल नहीं होगा, अच्छी अच्छी पिक्चरें बनी हुई है। गोवर्धन की जो बात बोल रहे हैं, इतनी अच्छी फिल्म है, लेकिन लगने के लिए वैसा संजोग होना चाहिए ना। सपोर्ट कहीं से है ही नहीं फिल्मों को, कलेक्शन केवल ये टैक्स मिल लिया लेता है, लेकिन सरकार कहाँ सपोर्ट करती है? सबसे बड़ा बिहार है, बिहार में कहाँ सरकार का सपोर्ट है? पब्लिक जरूर देखना चाहती है थिएटर में, लेकिन थिएटर उस लायक मजा है लोगों को, तब न जाए देखने के लिए। उसके कहीं से शुरुआत तो करनी होगी, कोई प्रयास कभी किए हो, किसी ने कभी प्रयास किया है? सब प्रयास कर रहे हैं सर, हमारे स्तर पर जितने नेता लोग हैं, जैसे आज दिनेश जी हैं, चाहे मनोज जी हैं, ये लोग प्रयास करते ही हैं। लेकिन अब इतने दिन से जो धस के रसासल में चला गया है, उसको निकलते निकलते शायद समय लगेगा, और कोई ऊपर वाला, नेताओं में कोई उस तरीके का जुनूनी आ गया तो शायद हो सकता है कि कल्याण हो। यूपी में देखिए कितना भोजपुरी को सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन जो सबसे बड़ा रीजन है बिहार, कहाँ सपोर्ट है? वहीं से तो पैसे आते थे, वहीं से तो फिल्में सुपर हिट होती थी और वहीं से तो स्टार होते थे सब। अब चीज़ें नहीं है, जुनून नहीं आया अभी तक हमारे भोजपुरी स्टारों में जो नेता बन गए हैं। हाँ, वो उनमें जुनून, उनके ऊपर भी तो लोगों में जुनून होना चाहिए जो जो इस चीज करेंगे। ये लोग तो कोशिश कर ही रहे हैं, जो जहाँ तक है शायद कोशिश कर रहा। लेकिन ज्यादा बताएंगे, आप तो नीरव जी के बहुत ही करीबी हैं, बात तो होती होगी कभी कभी? हाँ, बात तो बहुत होती है। क्या कहते हैं वो? नहीं, इस मैटर में बात नहीं हो पाई हमारी कभी उनसे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग को उतनी जानकारी नहीं है कि मल्टीप्लेक्स में सिनेमा कैसे लगेगा, क्या लगेगा और उसके क्या तरीके हैं। उसकी सबसे ज्यादा जानकारी प्रवीण जी ही दे सकते हैं मेरे ख्याल से। मल्टीप्लेक्स के बारे में आपकी बहुत ही प्रख्यात प्रोड्यूसर हैं अभय सिन्हा साहब, इम्पा के प्रेसिडेंट हैं,
उन्हें पता होगा वो खुद इतने सिनेमा बनाते हैं इंडस्ट्री में, सबसे ज्यादा सिनेमा वो सारे प्रोड्यूसर से एक तरफ, वो अकेले प्रोड्यूसर एक तरफ, लेकिन मेरे को लगता है वो करते तो होंगे प्रयास, शायद नहीं हो पा रहा है। चलिए नहीं हो पा रहा, मुझे लगता है कि चौथा सांसद तैयार करना पड़ेगा। काजल जी आप कुछ कहेंगे इस टॉपिक पे, क्या कुछ कहना, आपका क्या कहना है इस टॉपिक पे? हम लोग से ज्यादा खुशी किसी को भी नहीं होगी अगर हमें मल्टीप्लेक्स मिलता है, या जो हमारे सिंगल थिएटर्स भी जो थे जो बहुत कम हो चुके हैं अभी, अगर वो भी हमें वापस मिल जाए तो हमसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। बट वही है कि इसमें हमारा तो बस नहीं है, अगर हमारे जो यहाँ पे अपर लेवल पे जितने भी हमारे हैं प्रोड्यूसर्स हैं सारे, अगर जो एक्टर्स हैं अगर वो चाहे और वो अपील करे तो शायद कुछ हो सकता है। कभी आप किसी से बात हुई एक्ट्रेस से, कभी जैसे आप कई फिल्में करती हो जी, एक्ट्रेस का कभी बात हुई कि मुझे समर्थन होनी चाहिए मल्टीप्लेक्स में? मल्टीप्लेक्स ऑफ कोर्स हम लोग चाहेंगे, हम लोग खुद ही मल्टीप्लेक्स में देखने जाते हैं। हम लोग मतलब हम लोग ने कभी ऐसे सिंगल थिएटर्स में, मैं छोटी थी तब शायद मैं जाती थी, तब ज्यादा मल्टीप्लेक्स नहीं थे, बट अभी तो हम लोग मल्टीप्लेक्स ही जाते हैं। अगर मूवीज देखते भी है तो हम लोग क्यों नहीं चाहेंगे कि हमारे फैंस भी है जो मल्टीप्लेक्स में ना जाए, हम तो यही चाहते हैं। और फिल्में भी बहुत अच्छी अच्छी बन रही है, लेकिन यही है कि आफ्टर कोरोना तो और भी जो थिएटर्स थे सिंगल थिएटर्स भी थे वो भी अभी बंद हो चुके हैं, तो हमारे लिए तो बस दुखी है हम लोग इस चीज़ को लेके। और हम लोग खुद ही चाहते हैं कि ये टीवी पे ना आके लोग थिएटर में मूवी देखे और प्यार दे अपना। चलिए ठीक है, चर्चा का विषय लगातार बढ़ता ही जाएगा। बैक टू सर्विस वाली बहुरिया, आखिरी एक दो तीन सवाल और, कि क्या वजह रही है कि आपने आनंद ओझा जी और काजल राघवानी की जोड़ी इस फिल्म के लिए सोची? हम लोग का खैर प्लानिंग तो आनंद जी के साथ फर्स्ट लॉकडाउन से ही चल रहा था। अपने संजय पांडे जी हैं, उन्होंने ही प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी, हम लोग को मिलाया था, हम लोग की बात कराई थी, रितेश जी से भी शायद उसको बात हुई थी, तो हम लोग शुरुआत तो उसी वक्त कर दिए थे। और करते करते मेरे को लग रहा है 2-2.5 साल निकल गए, फिर फाइनली ये हुआ कि फिल्म करनी है। और हम लोगों ने एक सब्जेक्ट बना के रखा था, यही सर्विस वाली बहुरिया, तो मुझे ऐसा लगा कि आनंद जी के लिए